फैमिली, वेलकम टू माय चैनल छोटी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो DIY होने वाला है। जैसा कि लास्ट वीक मैं गांव गई थी और वहां से मैंने ढेर सारी DIY की चीज़ें कलेक्ट करके लेकर आई हूँ आपके लिए, तो उन्हीं में से कुछ कुछ चीज़ें मैंने बनाने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर जो मेरे चैनल में नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए बिना लेट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का DIY देखते हैं। चूंकि मैं लास्ट वीक गांव गई थी, वहां से कुछ सूखी लकड़ियां भी कलेक्ट करके लेकर आई थी। उन सूखी लकड़ियों में सबकी साइज अलग अलग थी, तो मैंने सोचा छोटे वाले साइज का नाप लेके मैं बड़े वालों को काट लेती हूँ। एक साइज में मैंने बराबर काट लिया। काटने के बाद ये मैंने यहाँ पर जूट का थ्रेड लिया है। इस थ्रेड से मैं सबको बराबर बांधने वाली हूँ। चलो फिर मैंने थ्रेड ले लिया और इस थ्रेड की हेल्प से सारी लकड़ियों को एक दूसरे से अच्छे से बांध लिया, कुछ इस तरह से। इन सारी लकड़ियों को एक दूसरे से बांध लिया। अब बांधने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगा। ये मैंने सीढ़ी के आकार में इन्हें बांधा है, तो ये ऐसा लग रहा है। मैं बाजार गई थी, वहाँ से मकई लेकर आई थी। उसके छिलके को उतारने के बाद मैंने सोचा इसके छिलके को भी मैं अपने DIY में यूज़ कर लेती हूँ, तो मैंने एक दिन के लिए इसे सूखने को छोड़ दिया। सूखने के बाद इनके जो छिलके हैं वो मुड़ जाते हैं, तो उन मुड़े हुए छिलके को मैं सीधे कर लेती हूँ अच्छे से। सीधे करने के बाद इसका भी मैं कुछ बनाऊंगी। सारे मुड़े हुए छिलके को सीधे करने के बाद मैंने सीजर के हेल्प से उसे कट कर लिया। अब इसे मैंने पेटल्स के शेप में कट कर लिया। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं इन सूखे हुए छिलके से मैं फूल बनाने वाली हूँ, इसीलिए इनकी फूल की पंखुड़ियों के शेप में इसे अच्छे से सीजर के हेल्प से कट कर लिया। इसी तरह से सारे छिलके को मैंने पेटल्स के शेप में कट कर लिया। इसी शेप में सारे छिलके को मैंने कट कर लिया, तो ढेर सारे पेटल्स बन गए। अब मैंने एक पेपर लिया, उसको राउंड शेप में सीजर के हेल्प से कट कर लिया। अब चूंकि मैंने इसे राउंड शेप में कर लिया है, अब मैं यहाँ पर फेविकोल लगा लेती हूँ और इस फेविकोल के हेल्प से जितने भी मैंने पेटल्स कट किए हैं उन सारे को इसमें बारी बारी से लेयर्स में चिपका लूंगी। तो कुछ इस तरह से मैं इनको लेयर्स में सारे पेटल्स को चिपका लेती हूँ। फेविकोल लगाती हूँ और उसके ऊपर मैं पेटल्स को चिपकाती जाती हूँ। अब इस तरह से मैंने सारे पेटल्स को चिपका लिया, तो कुछ इस तरह से यह दिखने लगा। अब चूंकि मैं गांव से कुछ और भी सीड्स
जैसी चीज़ें लेकर आई थी, तो मैंने सोचा इसको बीच में लगाते हैं और बिल्कुल ये फ्लावर्स जैसा दिखेगा। तो इस तरह से मैंने उसको बीचों बीच चिपका दिया और ये फूल की तरह दिखने लगा। इसी तरह मैं ढेर सारे फ्लावर्स रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए और भी पेटल्स को इसी तरह से चिपकाते हैं और ढेर सारे फ्लावर्स बना लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने और पेटल्स को चिपकाया और फ्लावर्स बना लिए। इस तरह से हमारे सारे फ्लावर्स बन के रेडी हो गए। अब बारी है कि इस फ्लावर्स को थोड़ा हम कलर देते हैं। कलर के लिए यहाँ पर मैंने एक्रैलिक कलर यूज़ किया है। तो एक्रैलिक में भी मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ और इससे इजीली ब्रश के हेल्प से मैं इजीली इसे पेंट कर लेती हूँ। तो इन सारे पेटल्स को मैं कलरफुल बनाने के लिए एक्रैलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बारी बारी से सारे फ्लावर्स को अलग अलग कलर से कलर कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? और लग रहा है ना कि ओरिजिनल फ्लावर की तरह? तो इस तरह से हम नेचर से भी बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके उनको अपने घर के डेकोरेशंस में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लीव्स बना लेती हूँ कुछ छिलकों के। मेरे पास कुछ और ड्राई छिलके पड़े थे, उनको मैंने ग्रीन कलर से कलर कर लिया। अब इन फ्लावर्स के लीव्स मैं उससे बना लूँगी। अब चूंकि फ्लावर्स भी बन चुके हैं और लीव्स भी बन चुके हैं, तो चलिए फिर उस जो सीढ़ी, जो लकड़ी का सीढ़ी हमने बनाया था, उसको हम सजा लेते हैं इन फ्लावर्स से। तो इन फ्लावर्स में फेविकोल लगा के हम उस लकड़ी के ऊपर इसे चिपका लेते हैं। तो इस तरह से हम सारे लकड़ी में अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स चिपका लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे ये किस तरह
चिपकाने के बाद लगते हैं। ये कुछ ड्राई वीट्स भी मैं लेकर आई थी गांव से, जो कि अच्छे से ड्राई हो चुका था। मैंने सोचा इसको भी मैं इस लकड़ी में लगा देती हूँ, तो ये कुछ अलग लुक लगेगा। और इसके ऊपर फिर मैं फ्लावर चिपका दूँगी। तो मैंने ये सारे जितने भी मैं वीट्स लेकर आई थी, ये सारे को मैंने इसमें लगा दिया, और उसके बाद उसके ऊपर से मैंने फ्लावर चिपका दिया। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। आप भी इस तरह की DIY घर पर ट्राई करना। तो ये फ्लावर चिपकाने के बाद इसका लुक कुछ अलग ही लग रहा था दोस्तों। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ इसका। इसी तरह से मैंने सारे फ्लावर्स और सारे विड्स को लगा दिया, और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो चलिए फिर वॉल में लगाते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो ये मैंने वॉल में हैंग कर दिया और ये रहा इसका फाइनल लुक। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा DIY पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी क्रिसमस आने वाली है और न्यू ईयर भी, तो उस तरह के ओकेशंस में हम इस तरह की चीज़ों से घर को डेकोरेट कर सकते हैं, और हमारी पार्टीज़ में भी इस तरह के डेकोरेशंस आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले फेस्टिवल्स के लिए इस तरह की DIY आपके लिए यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। टिल देन, बाय बाय,
एंड टेक केयर।